Hello guys, I am back again with the new surprises. Dr. Shilpa Ladiwala and Hi. Dr. Jigna Puniani. Hello. Okay, तो आज हम comparative materia medica में तीन drug को compare करने जा रहे हैं, इसलिए हम तीन लोग बैठे हैं. Okay, जो बहुत बड़ी बड़ी drugs है. Last video में हमने रूटा लिया था, तो एक्चुअली रूटा के कुछ शेड्स जो है, दो दूसरी ड्रग जो है, एक है कैल्केरिया और एक है स्ट्रामोनियम, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है आम प्रैक्टिस में. कुछ फैसेट्स में रूटा के कैल्केरिया के जैसे है और स्ट्रामोनियम के जैसे है, बट कैल्केरिया एक बहुत बड़ी ड्रग है. ओके, और एचएचएफ में कैल्केरिया बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, काफी लोगों ने लिया है, मयूर सर ने लिया है, बहुत अच्छा. बेसिकली हम देखेंगे कि तो कैल्केरिया के बच्चे कैसे होते हैं, ये मयूर सर से ही सीखे हैं. और अभी कमलेश सूर्यवंशी सर ने भी शायद कैल्केरिया लिया है, तो आप दोनों के वीडियोस देखें. थ्री नाइस मैन ने भी लिया है. ओके, और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी फर्स्ट ईयर बीएचएमएस रेमेडी है कैल्केरिया, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिस्क्रिप्शन. हाँ, तो कैल्केरिया बहुत बड़ा रेमेडी है और स्ट्रामोनियम भी बहुत बड़ी रेमेडी है. तो क्या कंपैरिजन कि दोनों में क्या समानताएं है तीनों में, और तीनों में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे, ताकि कॉमन प्रैक्टिशनर्स को जो ये कंफ्यूजन होता है. हमारा मेन मोटो जो है वो यही है कि प्रिस्क्रिप्शन में हमें इजी होना चाहिए और हम इजीली प्रिस्क्राइब कर सके, अप्लीकेबल हो सके. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही हमारा राइट होना चाहिए, नहीं तो हम एंड में कैल्केरिया दू के रूटा दू के स्टामोनियम दू और अदर्स. सो बेसिकली वी आर डूइंग डीडी फॉर कैल्केरिया, स्टामोनियम एंड रूटा. ये जो तीनों है ये कहाँ सिमिलर है और कहाँ अलग है ये देखेंगे हम. तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन तो तीनों का अलग रहेगा क्लिनिक में. हम रूब्रिक में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो रूब्रिक पैरेलल चल रहे हैं, ये तीन रेमेडी पैरेलल चल रही है, तो हमको कहाँ ध्यान देना है, हाउ पे देना है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा क्लिनिक में और कैसे ये तीनों डिफर हो जाएगी और हमको कैसे एक एक कट ऑफ करके एक सिमिलरम पे पहुंचना है. कैल्केरिया, रूटा और स्ट्रैम कॉमनली सिचुएशन जो हमने अभी देखी थी पैंडेमिक में, कोविड में हमने बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए. सो वी आर एंटरिंग विद द टू रूब्रिक्स कॉम्बिनेशन जो हमने बहुत कॉमनली अभी देखा है, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड नाउ. यस, और जो बहुत इजीली हम पिकअप करते हैं वो रूब्रिक्स और अप्लाई करते हैं. एंड बहुत कॉमन थिंग है, कॉमन इन ऑल द थ्री, इसीलिए हमको ये कंफ्यूज होता है प्रेजेंटेशन. सो हाउ ईच रेमेडी का आपको एक जैसा दिखेगा, पर वी विल सी वाई बिहाइंड द रेमेडीज, तो हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन शॉर्ट शॉर्ट होगा. सो दोज टू रूब्रिक्स वी आर एंटरिंग थ्रू आर फर्स्ट इज लाइट डिजायर एंड सेकेंड इज एंग्जाइटी डार्किंग. ओके, तो ये दोनों में तीनों रेमेडीज है, कैल्केरिया भी है, रूटा भी है, स्ट्रैम भी है. yes. तो पहले हम थोड़ा सा लेंगे कि एंग्जाइटी डार्किंग हम कैसे लेंगे या कैसे उठाएंगे, कैसे लाइट डिजायर उठाएंगे. तीनों का लाइट डिजायर कैसा रहेगा, कैल्केरिया आपके पास कैसा लाइट डिजायर लेके आएगा, उसको कैसा लाइट चाहिए आपसे, रूटा को कैसा चाहिए, स्ट्रैम को कैसा चाहिए. तो कैल्केरिया जो है वो लाइट डिजायर डिलीरियसली है और इट्स अ सिंगल रेमेडी. यस, और द लाइट डिजायर डिलीरियस, और रूटा जो है लाइट डिजायर टू बी इन सनलाइट है. ओके, और स्ट्रैम जो है वो इंसैनिटी है, सिंगल एक रूब्रिक है स्ट्रैम का, इंसैनिटी फॉर लाइट डिजायर एंड कंपनी, सिंगल स्ट्रैम में यू नो उसकी जो लाइट डिजायर की इंसैनिटी वो पागलपन के हद तक है. तो हमको ये पेशेंट से कैसे समझना है वो देखेंगे हम. और मतलब यहाँ पर लाइट डिजायर एवरी पेशेंट विच कम्स टू अस, हम लोग हर पेशेंट में लाइट डिजायर देखते हैं क्योंकि पेशेंट आया ही हमारे पास लाइट के लिए, बट हम लाइट डिजायर कब उठाएंगे दैट इज इम्पोर्टेंट. यस, सो एवरी रूब्रिक, ईच रूब्रिक जो हमारे पास है वो मॉर्बिडिटी है. मॉर्बिडिटी हम लोग कब उठाते हैं ये लाइट डिजायर, कि वो मॉर्बिड जा रहा है. जैसे मैम ने
कैटकेरिया का मॉर्बिडिटी बताया कि क्या है, स्ट्रैंड का लाइट डिजायर का मॉर्बिडिटी क्या है, ठीक है। तो अब जैसे इन लोगों ने बताया कि क्या कॉमन है, ये जो बेसिक रूब्रिक हो गया एंजाइटी डार्क लाइट डिजायर, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रूब्रिक्स कॉमन से पेशेंट्स के हमारे सामने आते हैं तीनों रेमेडी के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल तीनों भी रेमेडी रिलीजियस में है, ये हम रूब्रिक्स देख रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे सामने ये तीनों रेमेडी के रूब्रिक्स आते हैं या पेशेंट ये चीजें बोलता है जिससे हमें कॉमन लगता है कि ये कैल्केरिया भी हो सकता है, रूटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी डार्क लाइट डिजायर पे उन्होंने बोल दिया इम्पेशेंस है तीनों रेमेडी, बीमारी के लिए, ठीक होने के लिए, कोई भी काम के लिए। तीनों रेमेडी रिलीजियस में है, तीनों रेमेडी सस्पिशियस में है, डाउट में है, ओके, थॉट परसिस्टेंट में है। मतलब पेशेंट बोलेगा हमको, तीनों रेमेडी के पेशेंट ये बोलेंगे सर ये ठीक होंगे कि नहीं बीमारी, है ना। इसके साथ बहुत सारी और भी रेमेडीज आएगी बट वी आर फोकसिंग राइट नाउ विथ दीज थ्री। इसके साथ फॉस भी बहुत पास में आएगा, एकोनाइट भी बहुत पास में आएगा, तो हम उसको फिल्टर करेंगे। अभी वी आर फोकसिंग ऑन दीज थ्री रेमेडीज। तो बेसिकली ना फियर से हम उठाते हैं ये तीनों को, कि हम पैरेलल जो है वो एक फियर है कि ये तीनों में जो पैरेलल चलता है एक्चुअली, इसलिए एक रूब्रिक है जो तीनों में फिर है। फियर ऑफ अलोन बीइंग, दोनों तीनों भी अकेले नहीं रह सकते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। यस, ठीक है। स्ट्रैम जो है वो क्लिंग करेगा, क्लिंगिंग टू फर्नीचर, क्लिंगिंग टू पर्सन, हेल्ड करेगा, हेल्ड डिजायर टू बी है, हेल्ड डिजायर बीइंग में है। बिकॉज स्ट्रैम इज द ओनली रेमेडी आउट ऑफ थ्री जो डिपेंडेंट ऑन अदर्स है। वी ऑलवेज थिंक कैल्केरिया एज अ डिपेंडेंसी बट कैल्केरिया डिपेंडेंट नहीं है, स्ट्रैम जितना डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स and dependent on others' desires to be. Yes. इतना dependent है, इतना cling करेगा। आप किसी पे इतने dependent हो, you will cling to the person or furniture. Yes. Furniture क्यों बोला है यहाँ पर कि हम furniture पे बैठे हैं, हम आराम कर रहे हैं और हम इसके ऊपर पूरा अपना वजन डाल के इसके ऊपर dependent हो चुके हैं। इसीलिए स्ट्रैम ऑल्सो इज इन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर। सामने वाले मैं गिर गया पूरा, यू कैरी दी, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। और इसमें पैरेलल रनिंग फियर है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ फियर, डेफिनेटली। तो अगर हम देखेंगे दिस इज द एडेप्टेशन, है ना, ये स्ट्रामोनियम का एडेप्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल हेल्ड डिजायर, स्ट्रामोनियम सामने वाले के आंग पे गिर जाता है इतना बुरी तरीके से कि आईपीआर भी परेशान रहता है। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अदर रेमेडीज को, है ना। यानी इतने लेवल तक जाता है कि वो बैगिंग और क्या बोलते हैं स्प्रेइंग एंड नीलिंग ये लेवल पे चले जाता है। श्रीकिंग, डेलिरियम, क्राइंग फॉर हेल्प, श्रीकिंग से बचाओ, श्रीकिंग के मैक्सिमम रूब्रिक्स स्ट्रैम में है। yes. And स्ट्रैम is the most delirious remedy yes. in our materia medica. So why स्ट्रैम ऐसा क्यों है, we have to see that. So basically स्ट्रैम का फियर इतना ज्यादा है या इतना evident है, जैसे बहुत सारे इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत सारे patients में हम लोग देखेंगे, जैसे मेरे पास हमेशा एक patient आती है, अगर if she is entering or if she is calling, she will never say कि या कुछ कॉन्वर्सेशन या बात इनिशिएट करना, यूजुअली पेशेंट के शेड्स होते हैं दैट दे कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए पहले दे विल रिलैक्स इट, बट स्ट्रैम इतना डरा हुआ होता है, ही इज सो मच एस्टोनिश्ड, ही इज सो मच एस्टोनिश्ड बिकॉज ऑफ द इंजुरी जो उसका डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड है। सपोज एक लेडी है जिसके मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं ओवरफ्लो, तो वो ब्लड देख के इतना एस्टोनिश हो जाती है, मैम आज चार पैड्स हो गए, मैम ओवरनाइट में ये हो गया, तो ये उसका डर है, दैट इज द फियर इनसाइड व्हिच ही हैज, व्हिच गिव्स अ रिएक्शन ऑफ एस्टोनिशमेंट। ऐसा ही एक केस बता दो मैं आपको, इसीलिए एक मिनट इससे जो बोला ना, जो बताएंगी वो एक्स्ट्रा जो बता रही है, दैट इज द एग्जैगरेशन ऑफ स्ट्रैमोनियम।
ना स्ट्राम जो है ना वो एग्जैगरेट करके बताएगा कि इतना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना. यस यस. सो देयर इज आल्सो व्हाई बिहाइंड दिस. द व्हाई बिहाइंड ऑफ स्ट्रैमोनियम फियर, इतना ज्यादा फियर दिखने वाला, इतना ज्यादा क्लिंगिंग. बहुत अच्छा 3 9 स्मेल में बताया है कि योगेश सर ने बहुत अच्छा बताया कि सडनली इनको कुछ होगा. देयर इज सडननेस व्हिच हैपेंस कि खाना खाते खाते आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे. चावल भी नहीं खाएगा पहले, उठेगा नहीं 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 मेरे को एसिडिटी हो रहा है, मेरे को हार्ट पेन हो रहा है, चार लोगों को लेकर आएगा. रास्ते में उसकी वाइफ बोल रही है ये एसिडिटी की गोली ले लो, ही विल ईट. मॉम बोल रही है अजवाइन खा लो, ही विल ईट. क्यों? क्योंकि उसको डर इतना ज्यादा है. दिस इज क्लिंगिंग, दिस इज क्लिंगिंग कि जो मिला वो तिनका का सहारा इस ट्रैम. एक केस आया था ना रिसेंटली, एक रिसेंटली केस बताता हूँ मैं स्ट्रैमोनियम का. एक लेडी पेशेंट ऑलमोस्ट 40+, वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही आती थी, कभी अकेले नहीं आई. ठीक है, तो हमें ये सब ऑब्जर्व करना होता है केसेस में कि ये हमेशा कंपनी एक बार है, ठीक है, दो बार है. आज मेरे पास वो ऑलमोस्ट 5-7 साल से आ रही है, तो हमेशा वो हस्बैंड के साथ ही आती है. ओके, तो उसको मैंने पूछा अभी क्या प्रॉब्लम है, देखो आपको क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने बताया मेरे को यहाँ हार्ट में पेन जैसा लगता है, बहुत घबराहट होती है, सर दुखता है, मतलब मल्टीपल कंप्लेंट्स बताया उसने. ठीक है, तो अगेन ये क्यों होता है, मुझे कोई टेस्ट कराना है क्या, दिस इज अ कॉमन से. ओके, मेरा बीपी देख लो, शुगर भी देखना है क्या, खुद ही बोलेगा मेनी ऑफ द पेशेंट. लाइक एग्जाम्पल स्ट्रैम के बाद बहुत बास में हायोस आता है, तो हायोस नहीं बोलेगा, पर स्ट्रैम खुद से बोलेगा एसिडिटी के लिए ब्लड प्रेशर कर लो, एक्सरे कर लो, इसके बाद सोनोग्राफी कर लो. आप यू जस्ट कीप हिम गिविंग लाइट. मैम ने जो रूब्रिक बोला कि डिजायर्स फॉर लाइट एंड कंपनी, इनसैनिटी तक लाइट चाहिए उसको. तो वो पेशेंट हमेशा साथ में आने के कारण मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आपको डर लगता है क्या, तो नहीं नहीं डर नहीं लग रहा, नहीं डर नहीं लग रहा, पर आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है, मुझे जांच क्यों कराना, जांच कराना ही है क्या. दिस वाज द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैच द रेमेडी. नहीं मुझे डर नहीं लग रहा. दिस इज द अफेक्टेशन ऑफ स्ट्रैम. जब तक स्ट्रैम अफेक्टेशन में रहेगा, ही माइट बी होल्डिंग द एज, बट अफेक्टेशन है, अफेक्टेशन टूटा. सो वी बोथ वर डिस्कसिंग कि ये कैल्केरिया, इसको कैल्केरिया देना है कि इसको स्ट्रैमोनियम देना है इसको. लेकिन वो जो उसने 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का जो से बोला, उसमें सर ने कैच कर लिया था कि नहीं ये कैल्केरिया नहीं है, दिस इज स्ट्रैमोनियम. ठीक है, तो उसने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर बोले मैं अकेले नहीं रह सकती. ठीक है, और अकेले रही, मेरे हस्बैंड अगर लेट आए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मेरे दिमाग में कुछ चलने लगता है ना. और अभी ना सर बोले एक लास्ट इंसिडेंट हुआ था, बोले लास्ट में बताया इसने, हमारी ड्रग आ गई थी स्ट्रैमोनियम, तो उसके बाद लास्ट में बताया सर बोले मैं ट्रेन में गई थी तो अचानक से बहुत भीड़ आ गई और भीड़ में मुझे बहुत घबराहट हो गई कि ये कब रुकेगी ट्रेन, है ना. तो ये होता है फियर इन नैरो प्लेसेस, ये स्ट्रैमोनियम में है. ओके, और एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स. यस, या फियर न्यू थिंग्स, फियर न्यू थिंग्स, कंपनी डिजायर फॉर अलोन व्हेन एग्रेवेशन, है ना, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन. ये सारे जो रूब्रिक्स है ये स्ट्रैमोनियम में बनते हैं एक साथ. और इनको अगर आप समझाने जाओ कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं हूं या मैं पहुंच जाऊंगा घर, आप अभी रहो मैं आ जाऊंगा, अगर उसका अकंपनिंग आईपीआर अगर बोलता है आप चिंता मत करो मैं पहुंच रहा हूँ, टाइम लगेगा, तो वो बोलेगा नहीं अभी के अभी आओ घर पे, है ना. क्यों? क्योंकि ये कंसोल ही नहीं कर पाते अपन इसको जब ये एंजाइटी में आता है. तो इसका एक रूबरिक है इनकंसोलेबल अलोन व्हेन एग्रेवेशन, अकेले नहीं रह सकता वो, और अकेले रहने के लिए कभी वो कंसोल नहीं हो सकता कि मैं अकेले रहूंगा. आई थिंक इट इज आल्सो इन डिल्यूजन इनकंसोलेबल भी. हाँ, ठीक है ना. तो ये इसको हमने स्ट्रैमोनियम दिया. क्यों? क्योंकि ये हमेशा हस्बैंड के साथ ही आती है और हस्बैंड भी इसके वजह से परेशान कि ये क्यों अकेले नहीं रहती. बिकॉज दीज पीपल आर क्लिंगिंग. आप पे कोई
पूरा बैठ रहा है आपके शोल्डर्स पे, क्लिंगिंग वालों को, क्लिंगिंग वालों के आईपीआर हमेशा परेशान होते हैं. सो व्हाई स्ट्रैम इज इन सो मच फियर, उसको इतना डर क्यों लगता है? इट इज ऑल्सो इन रूब्रिक डिल्यूजन अटैक्ड बीइंग. उसको लगता है कि एक तो डार्क है, कुछ पता नहीं है. इट इज ऑल्सो इन द रूब्रिक डिल्यूजन डार्क. ओके, एंड इन डिल्यूजन डार्क ही हैज दैट ही इज डाइंग. आई थिंक इट इज सिंगल और नॉट विद कैल्केरिया और रूटा. डिल्यूजन डाइंग, तो उसको ऐसा लगता है कि ये डार्क है और मुझे कहीं से भी इंजुरी आ जाएगा एंड वो इनकंसोलेबल है यहाँ पे. एंड दैट इज वाई उसको जो मिला उसको पकड़ लिया. ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने केस देखा जिसमें इसका हस्बैंड था और ये हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती. फॉर एग्जाम्पल, पर डेस्टिनी में सबके सेम नहीं लिखा होता है. मेरे पास एक और एक केस आया था सेरेमोनियल को बताता हूँ. कोविड में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो अब अगर सेरेमोनियल के हस्बैंड की डेथ हो जाएंगी तो कैसा? तो घर में वो दो ही थे एक्चुअली और बच्चे कहीं बाहर रहते थे. तो अब वो दो ही है घर में और उसमें भी हस्बैंड की डेथ हो गई और वो आई है कफ के लिए. कफिंग था उसको, कोल्ड को राइजा कफ, और जो कि नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, है ना. तो ये पेशेंट भी उसका प्रेजेंटेशन एकदम, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि सामोनियम है. उसने मुझे ये बोला कि हंसते हंसते स्माइल देते हुए बोला, सर जब से हस्बैंड नहीं है ना तब से थोड़ा सा इशू होने लगा है मुझे. हम लोग हस्बैंड बेचारे मेरे कोविड में चले गए, ठीक है, और उसके बाद से ना मुझे ऐसा प्रॉब्लम चालू होने लग गई. कभी सीने में दर्द देता है, मुझे ये थॉट्स आते हैं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं कैसे करूंगी, कहाँ जाऊंगी, फियर ऑफ अलोन बीइंग, ठीक है. इसीलिए वो हमेशा क्या करती थी ना सेरेमोनियल, अपने एरिया वालों के साथ, अपने बिल्डिंग फ्लैट वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाना, है ना. और अम्यूजमेंट डिजायर में भी किटीज ज्वाइन कर ली बहुत सारी, ताकि वो लोगों के 60s, हाँ, एट द एज ऑफ 60s फॉर कंपनी हमेशा साथ में रहे. पर मुंह से क्या बोल रही, मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन बता रही कि हाथ दुखता है. तो फिर मुझे सर ऐसा लगता है कि मैं एक टेस्ट तो नहीं करूं, तुरंत मुझे फोन कर लेना है कोई भी सिम्टम आया तो, कितने भी बड़े, है ना. ये ऐसे बिहेव करती है, इसका ये एडेप्टेशन चेंज हो जाता है. लोग ढूंढती है, वो किसी से भी क्लिंग हो सकती है, इसलिए वो क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर है. सेरेमोनियल मुसीबत आने पे किसी को भी बाप बना सकता है, गधे को भी बाप बना सकता है, पर हायोस ऐसा नहीं करता है. मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, है ना. हायोस बहुत सोचेगा, देखेगा, समझेगा उसके बाद. ये स्ट्रैम का एक रूब्रिक है ऐसे आपके केस से रिलेटेड है सर, कंपनी डिजायर फॉर नाइट. सिर्फ 5 रेमेडीज है उसमें. ओके, उसमें स्ट्रैम है और हाईएस्ट ग्रेड है सेरेमोनियल का. डार्क का बहुत ही डर है, सब हाइब्रिड डार्क से रिलेटेड. नाइट जहां पे भी सेरेमोनियल को डार्क थोड़ा सा भी फीलिंग आया वहां ये डर जाता. नाइट इज व्हाट, कि सब सोए हैं, सिचुएशन कोई अलर्ट नहीं है, सिचुएशन दिखती नहीं है डार्क में. एंड स्ट्रैम हैज अ प्रॉब्लम विद न्यू थिंग्स क्योंकि उसका होल्ड नहीं है उस पे. यस, एंड अल्टीमेटली फियर ऑफ डेथ. यस, बोलता भी नहीं है स्ट्रैम डेथ से, इतना डर लगता है कि वो मुंह से भी नहीं बोलता कि मेरे को डेथ का डर. एक केस मैं बताती हूँ, सिमिलर है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, अब मेरे बताने तक आप सोचेंगे कि वो क्या हो सकता है, ठीक है. ये 20s में एक बच्ची आई, गर्ल. ओके, उसका पहले वन डे बिफोर कॉल आया था सर को कि लूज मोशंस हो रहे हैं और पूरे ग्रीन है. एज इज 20, यस 22, और ग्रीन मोशंस हो रहे पूरे. तो मैं क्या करूं, तो हमने होम रेमेडीज एडवाइस कर दिए, बट उसका लाइट डिजायर खत्म नहीं हुआ. वो शी वॉज इन क्लिनिक नेक्स्ट डे, फर्स्ट पेशेंट विद अलॉन्ग विद हर मदर. अकेले नहीं आई ना, मम्मी के साथ आई, ठीक है. इतनी बड़ी लड़की जॉब कर रही है और वो मम्मी के साथ आई है लूज मोशंस के लिए ग्रीन.
तो वो क्या बोली ना, उसकी मम्मी बोली इसने कल से अभी तक के ना पूरा सर्च कर लिया गूगल कि क्यों मुझे ग्रीन मोशन हो रहा है, क्यों मुझे हो रहा है। और वो शी वॉज आस्किंग दिस कंटिन्यूसली टू अस ऑल्सो, क्यों हो रहे होंगे, ये एज में होते हैं क्या, ये क्यों हो रहे होंगे, मैंने तो कुछ बाहर का नहीं कही, मैंने तो सिर्फ कॉफी पी थी, फिर मुझे क्यों हो रहे हैं, आप बताइए मुझे क्यों हो रहे हैं। लाइट डिजायर है, आप लोग लेंगे लाइट डिजायर, लेकिन एक चीज बहुत प्रोमिनेंट थी जो वो गूगल करके आई थी, दैट वॉज क्यूरियस। और कैल्केरिया, मैंने हमने उसको कैल्केरिया दिया, कंफ्यूजन था कैल्केरिया स्ट्रैम रूटा, फिर से वही लाइन में, लेकिन कैल्केरिया क्यों दिया, एक तो मम्मी के साथ आई, ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, प्रोटेक्शन एक्सेस, राइट। सेकेंड थिंग क्यूरियस थी और गूगल करके आई। आज जो रूब्रिक है वो कैल्केरिया के मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, तो आज दैट इज गूगल इन दिस जनरेशन, दैट इज गूगल, गूगल ही मेडिकल बुक बना दे रहा है। तो ये कैल्केरिया सबसे ज्यादा गूगल, ये उसका डिलीवरी स्टेट है, बिकॉज गूगल यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू क्लिक वन देन यू क्लिक, आप उसका टॉपिक एंड ही नहीं होता है, आप हर चीज कैंसर तक पहुंचाता है, एक मॉल से भी कैंसर पहुंचता है, सो दिस इज डिलीवरी, यू कीप ऑन सर्चिंग लाइक। और कैल्केरिया जो है ना इंटेलिजेंट ड्रग है, सबसे पहले तो वो कोई भी सिली थिंग पे, वो ट्रिफल्स पे एग्रेवेट तो उसको होता ही है ना, सेंसिटिव टू ट्रिफल्स में हो सकता है, या अपन जो बोलते हैं स्टार्टिंग स्टार्टर एंड प्रिक ऑफ निडल पे है ना, पर वो कुछ तो भी रीजनेबल होना चाहिए है ना, ऐसा इमेजिनरी थिंग पे वो डरता नहीं है, क्योंकि स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम जो है ना फियर इमेजिनरी थिंग्स में, मतलब जो चीज सोची भी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, उस चीज पे डर के वो रिएक्शन देता है। कैल्केरिया वैसा नहीं देता, कैल्केरिया के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, इंटेलिजेंट ड्रग तो है और लेजी है, हाँ लेजी है, वो दौड़ भाग नहीं कर सकता ज्यादा है ना, तो ये अपना दिमाग लगा के ही काम करता है, रीजन पावर इंक्रीज में, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, नहीं कैल्केरिया रीजन पर इंक्रीज में ज्यादा ग्रेड में है, और रूटा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी है, एंड कंप्लीट डायनामिक्स इज शोइंग ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कैल्केरिया ऑल्सो, बिकॉज कैल्केरियाज आर इंटेलिजेंट, कैल्केरियाज को पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है दैट यू आर डिपेंडेंट, बट कैल्केरिया इज अ रेमेडी फ्रॉम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रेमेडी है, उसका प्रॉब्लम ओवर पेरेंटल प्रोटेक्शन, स्ट्रैम डिपेंडेंट डिजायर टू बी है, तो कैल्केरिया इज अपोजिट, कैल्केरिया तो सर ने जैसे बोला ना कि कैल्केरिया इंटेलिजेंट है, तो कैल्केरिया का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है इंटेलिजेंट मोर ड्यूरिंग ड्रंकननेस। कैल्केरिया दो ही रेमेडी है, कैल्केरिया और सल्फर, तो आप सोचिए कि वो रूब्रिक की ग्रेविटी कितनी होगी कि वो पीके भी इंटेलिजेंट है ना, समझदारी की बातें करता है। सो मेटाफोरिकली ऑल्सो वी कैन टेक दिस रूब्रिक, कैल्केरिया हमको लेजी लगता है, कैल्केरिया हमको बिजी फ्रूटलेस लगता है, बट इट इज ऑल्सो द रेमेडी फ्रॉम इंडस्ट्रियस, कैल्केरियाज आर ऑल्सो इंडस्ट्रियस बिकॉज कैल्केरिया हैज द कैपेसिटी, वी हैव ऑलवेज सीन कैल्केरिया एज द लेजी लिथार्जी फैट फेयर फ्लैगी जो हम लोग बोलते थे, बट फैट फेयर फ्लैगी उसका वेल्थ होता है, that is a wealth and that is he has received the parental properties, इसीलिए कैल्केरिया को वो आगे ले जाने का तकलीफ होता है, so because of this ये जो उसपे प्रेशर है पेरेंट का वो उसका सोशल कंसर्न बन जाता है, क्या कहेंगे चारों सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स और फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड, सेंसिटिव टू ओपिनियन, और फियर ऑफ ओपिनियन में भी है, और ये फियर की वजह से ही डेवलप्स दिस रिस्पॉन्स, फियर ऑफ लास्ट एंड मॉक दैट बीइंग भी है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स भी है, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स भी, यानी क्या कहेंगे चार लोग, आप उसको कॉमनली पकड़ लो, लोग हंसेंगे मेरे पे, फियर ऑफ बीइंग रेडिक्यूल्ड इज अ बेसिक ऑफ कैल्केरिया, सिंगल कैल्केरिया, फियर ऑफ बीइंग रेडिक्यूल्ड, यानी मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, ये सब बहुत सोचता है, लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, डिस्पेयर सोशल पोजीशन, क्या होगा इसकी वजह से, क्या होगा ये, इसको पैकअप करना है अपना पूरा पोजीशन, यस दैट इज व्हाई ही एक्युमुलेट्स,
फियर जो है कैल्केरिया का समझा, सामोनियम का फियर जो है वो फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड है या नाइट है या डार्क है, बिकॉज एक रूब्रिक वी कैन नॉट फॉरगेट कि कैल्केरिया को ऐसा लगता है डिवोर्ड बाय एनिमल्स. जब आपके सामने शेर आता है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अभी बहुत ज्यादा टाइगर पेंच रिसॉर्ट्स और ये सब हो रहा है, व्हेन यू गो इन द जीप सब डरते हैं, एवरीबॉडी इज फियरफुल कि दिख गया तो वो हालत सोचो जब शेर सामने आता है किसी के जीप के सामने, वी सी इन द देखना भी है और डर भी लग रहा है. हाँ, शेर देखना भी और डर, तो वो शेर अटैकिंग होता है तब हम लोगों को कैसा लगता है. तो जैसे कि बोला कि इन्होंने देखना भी है पर डर भी लग रहा है. ठीक है, तो स्ट्रामोनियम को ना बड़ी खुजली होती है भूत वाली पिक्चर देखने की, ऐसा ऐसा करके देखेगा लेकिन देखेगा जरूर. हाँ, चादर के अंदर से देखेगा लेकिन इतनी खुजली होती है उसको कि स्कैरी मूवीज देखना है देखना, उनको बहुत इंटरेस्ट होता, बहुत मजा आता उनको, लेकिन डर भी लग रहा है लेकिन देखना भी है, ये ऐसे ही चलते हैं. तो स्ट्रामोनियम जो है ना बेसिकली स्ट्रामोनियम को कैल्केरिया और स्ट्रामोनियम में डिफरेंस है कि कैल्केरिया को लोगों की बातों का हंसी मजाक उड़ाने का अपने क्या बोलते कॉलर का नाम का ये खराब ना हो जाए इसका डर होता है और हेल्थ इश्यूज होते हैं इसमें बात करता है. स्ट्रामोनियम ना इंजुरी पे बात करता है, जैसे डिवोर्ड बाय एनिमल, फियर इंजुरी, डिलीजन इंजुरी, डिलीजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, डेंजर इंप्रेशन, कोई तो कोई मुझे आके अटैक करेगा, यानी एक एनिमल इंस्टिंक्ट जैसा है उसके अंदर. इसीलिए स्ट्रामोनियम इज पुअर. यस, इट्स अ रेमेडी फ्रॉम डिल्यूजन, पुअर और प्योर भी. दैट इज अनदर पार्ट. तो ये प्योर फीलिंग इज आउट ऑफ ईगो वाला जो है उसका जो शेड है. अभी वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द फियर रिस्पॉन्स. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक. सो देयर आर थ्री रिस्पॉन्सेज, इट इज फाइट, फ्लाइट और फ्रीज. तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन फ्रीज हो रहा है, कौन फाइट कर रहा है, कौन फ्लाइट ले रहा है. सो दिस रिस्पॉन्सेज कम्स इन द रेमेडीज. तो कैल्केरिया जो था ना वो फैमिली ओरिएंटेड था, थोड़ा सा लव फॉर फैमिली था. ठीक है, स्ट्रामोनियम खुद के बारे में ज्यादा था. और रूटा जो है ना वर्क से रिलेटेड ज्यादा मिलेगा आपको, कि उसको एंग्जाइटी सक्सेस अबाउट है कि मैं सक्सेस होगा कि नहीं, डाउट फ्रॉम द सक्सेस, एंग्जाइटी डाउट अबाउट द सक्सेस कि मैं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है ना. तो उसको वर्क से रिलेटेड और फ्यूचर से, फ्यूचर में ज्यादा एब्जॉर्ब या ब्रूड करेगा रूटा, इसलिए उसको थोड़ा सा भी हिंडरेंस बर्दाश्त नहीं होगा काम में, कि अगर ये यार इतना सा भी हिंडरेंस आया तो आगे मेरे सक्सेस का क्या होगा. yes, है ना. yes. इसलिए रूटा जो है वो फियर ऑफ अरेस्टेड में है. yes. ये दोनों नहीं है. yes. स्ट्रैम और कैल्केरिया नहीं है. रूटा अरेस्टेड कि मैं अगर यहाँ जकड़ गया, मैं अरेस्ट हो गया, अरेस्ट ऐसे होते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ अरेस्ट हो गया तो आगे कैसा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया. हाँ, इफ आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. हाँ, इसीलिए हिंडरेंस में अटकता है रूटा, और वो रूटा का फियर ये चीज एंटिसिपेट कर करके होता है कि मेरा नहीं हुआ तो. जैसे मयूर सर हमेशा एग्जांपल देते हैं, व्हेन अ न्यू होम्योपैथ इज गोइंग टू ओपन द क्लिनिक, तो सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन की रेमेडी होती है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया. yeah. तो यस, तो डिस्पेयर, जैसे कैल्केरिया इज इन डिस्पेयर हेल्थ अबाउट या सोशल पोजिशन से, तो रूटा जो है वो डिस्पेयर होगी फ्यूचर और वर्क से. बेसिकली यू कैन टेक एंगल एज अ वर्क रेमेडी. जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं रेमेडीज को राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड, तो वर्क ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगा. स्ट्रैम को खुद का डर रहेगा और कैल्केरिया को सराउंडिंग का डर रहेगा, पोजीशन का डर रहेगा. तो अब जैसे इन्होंने बताया कि ये फियर का स्टेज है ना, हमें फियर के स्टेज में ही कंफ्यूजन हो रहा है बाकी दोनों तीनों रेमेडीज में. पर स्ट्रैम में बता दू, शायद मैंने अपने स्ट्रामोनियम के वीडियो में भी ये पूरा बताया है, पर फिर भी एक और बार रिपीट करता हूं कि स्ट्रामोनियम जो होता है ना, या तो लोअर लेवल पे होता है यानी फियर वाला स्टेज, या तो एकदम हायर लेवल पे होता है. इसकी फ्रीक्वेंसी मिडिल में नहीं होती. ड्रग रेमेडी. हाँ, ड्रग रेमेडी है ये. तो हायर लेवल क्या होता है इसका, ईगो, डिविजन, इंस्टॉल, ग्रेट पर्सन, कम्युनिकेशन विद गॉड. ठीक है, थ्रेटनिंग, एकदम रेज हैज टू बी चेंज,
ब्रेकिंग डिजायर टू बी, मतलब या तो डरेगा या तो तोड़ फोड़ करेगा. एंगर रेमेडी, हाँ, डेंजर नो, एक्सेलरेशन, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर, एंड दिस इज ऑल इज डीपर्सनलाइजेशन. मतलब एक ही बंदे के दो या तीन रूप हो सकते हैं, और ये उसका अफेक्टेशन भी हो सकता है अपना डर छुपाने के लिए. यस डेफिनेटली. तो जैसे रूटा कैसा था ना, एंग्जाइटी डाउट अबाउट सक्सेस, तो कैलकेरिया की जो एंग्जाइटी ना वो फैमिली रहेंगी, उसका बिजनेस रहेगा या उसके बच्चे रहेंगे, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट और खुद की हेल्थ. और एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स ओनली कैलकेरिया. यस, और मनी मैटर से रिलेटेड रहेगा. एंड रूटा का ये सब चीजें होता है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट होता है बेसिकली. एक्चुअली रूटा का सारा कंप्लेंट जो स्टार्ट था एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. क्यों? बिकॉज रूटा इज वन ऑफ द वेरी पीडेंट रेमेडी. सो हाउ इट इज पीडेंट वी विल सी. तो स्ट्रैमोनियम की एंग्जाइटी कहाँ रहेगी ना, जब वो टनल से पास हो रहा है, क्योंकि वहां कुछ नहीं दिखता, एवरीथिंग इज डार्क. आगे क्या है कुछ नहीं. वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक ऑफ दैट, फियर ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक. अच्छा, फियर एवरीथिंग ब्लैक, ओनली स्ट्रैमोनियम. सो डार्क इज द इशू विद दिस. सब अंधेरा है, और ये ब्लैक वाला कोई भी पार्ट आया उसके लाइफ में तो ये परेशान. डिल्यूजन डार्क. अम्यूजमेंट डिजायर में ना यू विल फाइंड बोथ कैलकेरिया एंड स्ट्रैम. यस, ओके, एंड नॉट रूटा. और स्ट्रैम जो है ना थोड़े टाइम बाद जगता है, फ्रिवलस है. इट्स अ फ्रिवलस रेमेडी. ये सब स्ट्रैम के साथ इसीलिए होता है ना क्योंकि इनिशियली बहुत फ्रिवलस है. बहुत सारे केसेस है जहां पे स्ट्रैम हमको विराट्रम जैसा भी लगता है कि इतना फ्रिवलेसनेस है कि यू हैव अ पेप्टिक अल्सर और समथिंग, पर तुम बाहर का खाए जा रहे हो. यू आर ईटिंग ऑल्सो इन द स्ट्रैम इज ऑल्सो नेकेड वॉन्ट्स टू बी, विच इज ऑल्सो कमिंग नियर टू विराट्रम. ऐसे शेड्स आते हैं जैसे मैम देखो ना मुझे यहाँ पे कुछ हो गया विल ओपन द टी शर्ट वेरी, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए. कि रूटा का बोल रही थी जी ही, कि रूटा में ना कंफ्यूजन ऑफ माइंड है. कंफ्यूजन ऑफ माइंड रूटा में बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको अपने फ्यूचर की चिंता बहुत होती है. तो एक रूब्रिक है रूटा का, कंफ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर अबॉर्शन. सो व्हाट इज अबॉर्शन? हाँ, व्हाट इज अबॉर्शन इन द रेपर्टरी? यस बोल. डिलीरियम आफ्टर अबॉर्शन भी है रूटा. क्योंकि अबॉर्शन वो होता है कि व्हेन यू हैव यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आप कोई चीज, देर इज अ फर्टिलिटी, मेंसेस गायब हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई, बट आफ्टर अ वाइल आई थिंक देर आर ऑल्सो रूब्रिक इन थर्ड मंथ अबॉर्शन या ऐसा कुछ, कि व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड, व्हेन यू हैव स्टार्टेड यू आर अबाउट टू रीच एंड यू अबॉर्ट. 6-7 ओके. तो व्हेन यू आर एट द पीक, व्हेन यू आर अबाउट टू डिलीवर, अबाउट टू डिलीवर, और आपने कुछ फ्रूट बना लिया है एंड यू अबॉर्ट इट, अब कैसा होगा? तो रूटा का फियर यही है क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है दैट ही कुड पुल आगे. कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की रेमेडी, इसलिए डरता रहेगा. जो ऐसी लेडी जिसका फिफ्थ सिक्स मंथ में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर इनिशिएट में अबॉर्शन हो गया, वो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम कितना डरेगा कि अभी क्या होगा. एंग्जाइटी डाउट अबाउट सक्सेस, डिलीवर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा उसका. तो मतलब ये अबॉर्शन से या उसके वर्क से, फेल से रिलेटेड है रूटा. यस, अगेन इट्स वर्क, अगेन इट्स प्रोडक्टिविटी. तुम्हारा स्ट्रैम से कैसे डीडी करोगे कंफ्यूजन ऑफ माइंड? स्ट्रैमोनियम में भी होता है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, लेकिन स्ट्रैमोनियम है ना कैसा रहेगा कि जैसे टनल से पास हो रहा है तो मैं कहाँ आ गया है ना. लूजेस इज वेल, लूजेस इज वे इन वेल नोन स्ट्रीट में कंफ्यूजन होगा स्ट्रैमोनियम को, कि कंफ्यूजन ऑफ माइंड नोज वेर ही इज, ऐसा है ना, knows not where he is. तो स्ट्रैम की जो कंफ्यूजन ऑफ माइंड है ये इधर के एरिया में रहेगा, और रूटा का जो है वो वर्क से रिलेटेड एरिया में रहेगा. स्ट्रैम बहुत सेल्फ फोकस्ड है, लाइक खुद का ही सोचता है. एक्चुअली दैट्स व्हाई मतलब देखा जाए तो एक ये अपने पास स्ट्रैमोनियम जो है ना एक पैसेंट में आती है, छोटे एक स्टेट में आती है, इसलिए उसको देना आसान है ना. और एचएचएफ में सबसे अच्छे तरीके से सेरेमोनियम सिखाया गया है,
पहले हमें स्ट्रामोनियम मतलब सिर्फ इंसैनिटी की रेमेडी लगती थी, असाइलम की रेमेडी लगती थी, पागलों की रेमेडी लगती थी, पर आज की डेट में स्ट्रामोनियम के बिना क्लिनिक ही नहीं चल सकते। हम डेली 1-2 प्रिस्क्रिप्शंस तो रहने ही रहना है, हम सब में स्ट्रामोनियम है, तभी भी हम स्ट्राम बन सकते हैं, है ना, एस्टोनिश हो सकते हैं सडनली। दीज रेमेडीज जो अभी हम लोग बात करें, दीज रेमेडीज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टेट रेमेडीज। स्ट्रामोनियम एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, कैल्केरिया पेशेंट है ओरिजिनली, यू नो इट्स अ कैल्केरिया का पेशेंट, पर आज का प्रेजेंटेशन उसका स्ट्रामोनियम, वो बहुत क्लोज हो सकते हैं। अब उसके यहाँ पर कोई इवेंट है तो देन कैल्केरिया स्ट्राम विल टर्न टू रूटा, सो दीज आर द स्टेट रेमेडीज। सो अगर अब हमने देखा ये सारे फियर की जो हमने भी डिस्कशन किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये तीनों रेमेडी में जब कंफ्यूजन होता है, जब पेशेंट वर्ड यूज करता है कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो मुझे मतलब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, तो अपन ने पूछा क्या 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 तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा अपन ने पूछ लिया, बोलेगा सर कहीं बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या बोलना चाहते हैं, तो बोले कहीं कैंसर तो नहीं है ना, कैंसर तो नहीं होगा ना, जैसे किसी फीमेल को लंप लग रहा है ब्रेस्ट में, और कहीं किसी को बंदे को माउथ के अंदर कुछ स्वेलिंग लग रही है जो ऑलरेडी उसको मालूम है मैं कुछ खाता हूँ खराब, या कहीं पे भी ऐसा ट्यूमर जैसा लग रहा है, तो सबसे पहले इंसान क्या दिमाग में आता है, कहीं कैंसर तो नहीं है ना, है ना, तो ये सोच के लिए भी मतलब पर्सन की कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इसके हिसाब से वो बात करता है। रूटा रूटा विल मोस्टली टॉक अबाउट कैंसर, फियर ऑफ कैंसर इज ओनली रूटा, ओके, क्योंकि क्योंकि रूटा इज वेरी इम्प्रेशनल, फियर ऑफ कैंसर में कैल्केरिया काफी है, अच्छा, और फियर ऑफ कैंसर में स्ट्रैम नहीं है, स्ट्रैम डायरेक्ट मुंह से बोलता नहीं है, तो रूटा क्या है ना, रूटा इज ऑल अबाउट फ्यूचर, तो वो ऐसा फॉल्स बिलीफ वाला बात कम करता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है वो, ठीक है, उसके पॉइंट थोड़े से हमें पटते हैं, बुकिश है, पेटेंट है, उसने रट्टा मारा हुआ है, उसको पता है, ही नोज अबाउट इट, यस। तो एक शेड हमको बहुत अच्छा अभी मयूर सर ने सिखाया था रूटा का व्हाइल द सीटीपी इन नागपुर, कि इट्स अ वेरी इम्प्रेशनेबल रेमेडी, जैसे लंप है ब्रेस्ट में या मुंह में स्वेलिंग है या छाला आ गया है, तो मैम मैंने मेरी इसका कोई रिलेटिव का सुना था, उसका फोन आया तो तुमको तुम्हारी एसिडिटी इज नाउ यू आर ट्रिगरिंग इट एज अ हार्ट कंप्लेंट, क्योंकि उसका ऐसा हुआ था, हॉरिबल थिंग दैट स्टोरीज अफेक्ट प्रोफाउंडली, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, दिस इज फ्राइट व्हिच द रूटा गेट्स, दैट इज बेसिकली हॉरिबल थिंग दैट स्टोरीज अफेक्ट प्रोफाउंडली फ्रॉम द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो मिसफॉर्चून हुआ था कि उसका भी पहले लंप लंप था, फिर मैमोग्राफी हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो एफएनएसी हुआ, तो उसका वो मैलिग्नेंसी प्रूव हो गया, तो आई ऑल्सो हैव लाइक फॉर इट, कि मुझे भी लाइक चाहिए, इट इज अ रेमेडी फ्रॉम डिजायर इन सनलाइट, सनलाइट मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए, आप कितने भी हैलोजन बल्ब्स लगा लो पर सन जैसा डे लाइट यू विल नॉट गेट, सो रूटा वांट्स दैट लाइट, हम कॉमन मैन भी अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते ना सनलाइट, मतलब इतना लाइट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन रूटा को वैसा ही लाइट चाहिए, मेरे पे कोई फोकस डालो इतना स्ट्रॉन्ग और मुझे एक्सप्लेन करो कि मुझे ये क्यों हो रहा है। मेरी एक बहुत अच्छी केस है रूटा पे, फेसबुक पे थर्सडे सेशन में लिया था, वो लेडी को फाइब्रॉइड था आई थिंक, तो वो जब क्लिनिक आई ना तो उसको शी वॉज लाइक सेकेंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रही थी, और सडनली डायग्नोज हो गया कि फाइब्रॉइड है, तो उसका कंसर्न यही था कि यार मैं तो अभी प्लान कर रही थी ये क्यों बीच में आ गया, एंड डॉक्टर इज आस्किंग मी टू रिमूव द यूट्रस, तो आई टुक हिंडर्ड हियर, कि मतलब आई वॉज इन फ्लो, आई वॉज इन समथिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग प्रोडक्टिविटी, हाँ, एंड सडनली दिस सम ऑब्स्टिकल केम, हिंडर्ड हो गई,
मैम वो बार बार ये पूछ रही थी, मैम ये ठीक हो जाएगा ना, मैम ये ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, कम से कम 8 to 10 times उसने पूछा होगा ये चीज। रूटा भी बहुत सस्पिशियस होता है, और उसकी एक चीज बहुत प्रोमिनेंट थी कि उसने मुझे बोली कि जो मेरा फर्स्ट बेबी है वो काफी टाइम 10 years बाद कंसीव हुआ था शादी के, तो वो उसने उस कंसीव करने के लिए बहुत मेडिसिन खाई थी एलोपैथी, लेकिन उसने एक चीज और बोली कि मुझे मेडिसिन खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा ऑपरेट हो, क्योंकि फिर ऑपरेट होगा फिर से मुझे इतनी सारी मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैंने बचपन से आज तक की एक भी दवाई नहीं खाई, सिर्फ ये कंसीव करने के लिए दवाई खाई थी। रीजनेबल, तो मैंने शायद रूबरी के लिया था रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन है, फियर ऑफ टेकिंग टू मच ऑफ मेडिसिन है इसमें रूबरी, वो लिया था और उसको रूटा दिया था, और उसका जो मेनोमेटो रेजियो था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एंड फाइब्रॉइड भी निकल गया उसका भी। शी इज डूइंग वेल। कंप्लीट डायनेमिक्स हैज आल्सो एडेड फियर डिवोर्ड बीइंग बाय एनिमल्स में रूटा। ओके, सो रूटा एंड स्ट्रैम का प्रेजेंटेशन अगेन कम्स वेरी क्लोज। हाँ, और कैल्केरिया जो है ना, आप कैल्केरिया एक एडल्टरस बंदा होता है, तो वो तुम्हारे पास जब आएगा ना तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ दवा ले चुका होगा, उसका योगा चल रहा होगा, उसका डाइट अलग चल रहा होगा, सुबह मेथी दाने का पानी, रात को कुछ और गर्म पानी, या उसको जो भी जो बता देगा कि इससे ठीक हो सकता है, तो कैल्केरिया जो है वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि कैल्केरिया एडल्ट्रस है। और बेसिकली HHF में हम लोग जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिर्फ 2 या 4 points पे प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो हम पूरा उसका बेस लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद प्रिस्क्राइब होती है वो दवा, ठीक है, बैकग्राउंड में। फॉर एग्जांपल अगर कोई फियर का बंदा आता है, ठीक है, हमको कंफ्यूजन हो रहा है कैल्केरिया और रूटा एंड स्ट्रैम में, तो हम जब हम हिस्ट्री लेते हैं, FS लेते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारा कंसिडरेशन रहता है, होता है। ये यहाँ जो बता पाते हैं दैट इज द कोर, ठीक है, हाउ टू Either to enter or the core, बाकी तो surrounding बहुत सारी चीजें होती है। Yes. तो ये जो core अगर आप लेने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि Calcarea is all about family and yes. business and money. Yes. अगर आप Calcarea और money डालोगे, ठीक है, या money अगर आप search करोगे F4 में, तो आपको ये समझ में आएगा कि एंड रूटा इज नॉट अबाउट मनी, ओनली कैल्केरिया इज अबाउट मनी, बिकॉज इसीलिए सोशली वो बाउंडेड है, और इसलिए इट्स अ रेमेडी फ्रॉम वेल्थ। मनी में दूर दूर तक स्ट्रैम और रूटा कहीं है, उनको मनी से रिलेटेड कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये चिंता भी कर रहा है कैल्केरिया, एंजाइटी मनी मैटर्स, फियर पॉवर्टी में भी है, एंजाइटी बिजनेस में भी है, डिविजन टॉक्स अबाउट मनी में है, वेल्थ में तो है ही, है ना, फियर टू लूज इज ल्यूक्रेटिव जॉब में है, एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग में है, और गैम्बलिंग पैशन फॉर मनी में है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैल्केरिया जो होता है एम्बिशन टू इंक्रीज टू मेक मनी में होता है, एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी में होता है ना। अगर इस तरीके से नहीं मिलता है उसको तो वो धोखाधड़ी भी करता है, चैरलेटन में जाता है, वो लायर भी बन जाता है, क्लेप्टोमेनिया स्टील मनी में जाता है, ग्रीड होता है, और पैसा उड़ाता भी है, स्क्वैंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन, स्क्वैंडरिंग मनी में भी है, मतलब पैसा पैसा पैसा। इससे कैल्केरिया लव फॉर फैमिली है ना, वैसे कैल्केरिया को अपने बच्चों की भी चिंता भी बहुत ज्यादा है, बेसिकली इट्स अ मेटलिस्ट, इट्स अ मॉलस्क, तो अपने शेल में है तब तक बढ़िया है, शेल से बाहर निकला कि सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती, दैट्स व्हाई इट्स अ रेमेडी फ्रॉम स्पाइनलेस। यस, इसीलिए कैल्केरिया में पॉइंट ना भूल जाऊं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कैल्केरिया इज अ मिनरल फ्रॉम एनिमल किंगडम, है ना, जो वो शेल है वो एनिमल का है, उससे ये मिनरल मिलता है बाय डॉक्टरिंग, तो उसके सेकंड लेयर से बनता है, सो उसमें भी प्रोटेक्शन फर्स्ट और सेकंड के बीच वाला, सो दैट कम्स ऑन टू माइंड। तो ये जो कैल्केरिया का शेड जो है ना, ग्रीड, जेलसी और गैम्बलिंग, है ना, तो ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट,
हो गए जो एनिमल किंगडम्स है, और मिनरल्स वाला जो पार्ट है वो है फैमिली, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिल्ड्रन, ये मिनरल्स वाला पार्ट है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये वाला जो पार्ट हो गया ये मिनरल्स वाला हो गया, है ना, ऐसा है। और ये जो मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैसरेटेड है भी लव फैमिली के साथ साथ, तो फैमिली वाला बंदा है बेसिकली। यू कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट कि अगर प्रेजेंटेशन या बैकग्राउंड, आज का स्टेट उसका कुछ और है, पर उसका बैकग्राउंड अगर आपको फैमिली मिलता है तो क्राइटेरियाज आर इजी प्रिस्क्राइब। माय जो जिसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैसरेटेड है या जो ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज्ड है और जिनको चेंज पसंद नहीं है, चेंज एवर्जन टू है, प्रॉपर टू है, ये क्राइटेरिया होते हैं। रूटा एवर्जन टू इज क्राइटेरिया एंड चेंज डिजायर फॉर इज रूटा। यस डेफिनेटली, यहाँ पे बहुत एकदम ट्रेन ही अलग है दोनों। सो हमको पेशेंट के हाउ प्रेजेंटेशन से, पेशेंट के वर्जन से चेंज डिजायर, जैसे रूटा इज अ रेमेडी फॉर कंट्री साइड डिजायर, चेंज डिजायर उसको, ही नीड्स टू फ्लाइट, अभी यहाँ रिस्पॉन्स फ्लाइट आ रहा है कि उसको भाग जाना है वो जगह से, ही कैन नॉट फाइट द सिचुएशन। यस, कैल्केरिया जो है ना अपने आप को पिटीज में है, पिटीज हरसेल्फ में हम हमेशा सिर्फ पल्सेटिला सोचते हैं, कैल्केरियाज आर वेरी ब्यूटीफुल, कैल्केरियाज आर वेरी ब्यूटीफुल, ओनली फोर ग्रेड रेमेडी कैल्केरिया। अच्छा, सी नाउ टू कंसाइज एंड कंप्लीट अगर हम लोग आते हैं, सो आई हैव अ चार्ट विच अपन डिस्प्ले करेंगे इसको कि एज वी हैव स्टार्टेड एंग्जाइटी डार्किंग, लाइट डिजायर के बाद क्यों है लाइट डिजायर, एंग्जाइटी डार्क के साथ फियर ऑफ डार्क, ये सब क्यों हो रहा है, फियर ऑफ सफरिंग, अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैव इज फियर ऑफ डेथ, एंड देयर इज अ रूब्रिक डेल्यूजन, इमेजिनेशंस अबाउट टू डाई, एक लंप हो गया, एक छींक भी आ गई तो ये कहीं आगे ना चले जाए, ठीक है। तो इन सब को मेजरली कवर करता है स्ट्रैम, एंड सबसे पहले स्ट्रैमानिया एंड कैल्केरिया। रूटा इज वेरी फार अवे फ्रॉम ऑल दिस, द क्लोज रनिंग आफ्टर स्ट्रैम एंड कैल्केरिया विल कम एकोनाइट एंड फॉस्फोरस, जो वी विल ट्राई एंड मेक, सर विल मेक इन अनदर वीडियोस, ठीक है। इन देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड टू दिस, तो एक चीज है कि एंग्जाइटी कंसर्न्स ऑफ, ये तीनों में चलता है स्ट्रैम, कैल्केरिया एंड रूटा। सो दिस इज अ चार्ट विच इज वेरी, बहुत ज्यादा हमको दिखता है, बहुत ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन दिखता है, और हमको बहुत हाईलाइटेड रेमेडीज दो तीन ही आ रही है, कॉमनेस्ट है, ऐसा बोल रहा है, कॉमन से है बहुत, जो हमें मैक्सिमम पेशेंट में मिलता है इंजुरी वाले, ठीक है। तो बस जैसे कि हमने कहा कि ये बेस क्या है तीनों का, तीनों का बेस अलग अलग है। रूटा का इशू है लाइफ में वर्क, ये काम हो नहीं रहा, हिंडरेंस है, और इसके कारण वो लाइफ में कंफ्यूजन में जा चुका है, अब क्या करूं, आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पूरा रूटा का कंटेस्ट, ठीक है। स्ट्रामोनियम इज ऑल अबाउट फियर, बाहर से कुछ इंजुरी, अटैक, और वॉयलेंस, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रामोनियम। और एडेप्टेशन उनका हेल्ड करेगा, कैरेक्टर ओवर द शोल्डर में जाएगा और पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसमें उसको अच्छा लगता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कहीं नहीं है। एंड कैल्केरिया इज ऑल अबाउट फैमिली, लव फॉर फैमिली, लव फॉर चिल्ड्रन, यानी मतलब सब जगह से शेल चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, और अपना इमेज सबके सामने अच्छा रहे और कोई मेरे पे हंसे, ठीक है। दिस इज मेन पेन एक्सेस रेमेडी, पेन के रूब्रिक्स बहुत ज्यादा है, डिस्पेयर पेन अबाउट, सैडनेस अबाउट पेन, है ना, तो रूटा हमको थोड़ा सा पेन के साइड वाली रेमेडी ज्यादा दिखेगी, पेन के डिस्पेयर विद द पेन, यस, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, यस, है ना। सो आज का ये डिस्कशन खत्म होता है, दिस इज अबाउट द फियर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दिस, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी सिर्फ ऐसी मिलेगी, रूटा का बहुत सारे डिफरेंट फैसेटेड, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, तो ये सब दिस आर जस्ट द फ्यू पॉइंटर्स
राइट कि हम लोग रूटा तो डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड में भी है बहुत सारा रेमेडी फ्रॉम हार्मनी डिजायर फॉर इट्स अ रेमेडी बहुत सारी चीजें आपको और भी मिलेगी. तो लास्ट डिफरेंशिएशन आप देखेंगे मेरा जो वीडियो था इम्पेशेंट चिल्ड्रन और एंजाइटी चिल्ड्रन, तो अगेन एंजाइटी चिल्ड्रन में कैल्केरिया है और इम्पेशेंस में रूटा है. ओके तो ये डिफरेंशिएशन इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स ओन चिल्ड्रन में रूटा है ना. सो देयर आर मेनी मोर फैसेट्स, बहुत सारी जर्नी अलग होती है रेमेडीज की, बट इट इज हाउ द प्रेजेंटेशन इज. सो गाइस होप सो हमने आप की हेल्प की है ये वीडियो के थ्रू, हमारे तीनों के एक्सपीरियंस के थ्रू. ये तीनों रेमेडी मतलब कहाँ कहाँ सेम है और डिफरेंशिएट इसके हम कैसे कर सकते हैं, आपको ये हेल्प होनी चाहिए ये वीडियो देख के. ओके सो थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग अस. Yes, and my pleasure. You have to come back again. After 1 year, we are making video with sir. Yes. So, ये मेहमान आपको अगले वीडियो में दिख सकते हैं. Okay. Also, so, you can ask queries about in the video. Also, we have our Telegram groups. We have Facebook groups. आप connect करिए and just be in touch with us. So, bye bye guys.